रखना जिस समय आज वो हाथी के बच्चे का जो सिर था वो आज समस्त देवताओं के बीच में जब विनायक के धड़ से लगाया और जिस समय वो बच्चा खड़ा हुआ है तब कही मैया अब तो शांत कर लो, अब तो शांति में आ जाओ, अब तुम्हारा बेटा जिंदा खड़ा है तुम्हारे सामने। तो आज पार्वती मैया ने की गए सब देवता पहले जीवता म्यो लला ऐसो जे तुमने अब जिंदा खड़ो करो ऐसो मैया अब जामे कुछ नहीं कर पाएंगे हम, अब अपने क्रोध को शांत कर लो, अब तो जी है सो ही है। देखिए मेहतारी ने चतुराई क्या की, क्या तीनों देव शक्तियां तीनों प्रकृति के गुण तुम खड़े हो और तुम्हारे पीछे वो 33 करोड़ देवता सब हैं। इस बेटा को मैं अपना तो लूंगी पर मैं जो मांग रही हूं वो तुम्हें देना पड़ेगा, इसी बेटा को मैं अपना लूंगी लेकिन जो मैं मांगू वो तुम्हें देना पड़ेगा। भैया मांग लो, क्या मांगना चाहती हूं? तो आज वो 5 साल का बेटा विनायक सामने खड़ा है और तब मेहतारी ने मांगा क्या है समस्त देवताओं से। सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे उमरी है अरे छोना की रे मेरा हुक्म बजाया और अपने शरीर की परवाह नहीं की,
7 साल के पुत्र ने देवताओं का सामना कर गया और ताकि बदले में मेरे पुत्र का शीश काटा गया और शीश कटने के बाद और हाथी का सर मेरा है तो जब बेटा को मैं अपना तो रही हूं। पर 33 करोड़ देवता ध्यान करो, जब भी दुनिया में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, कोई पूजा का कर्म होगा, कोई भी आहुति किसी देवता की नहीं लग पाएगी, किसी देवता का आह्वान नहीं हो पाएगा। कब जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो सबसे पहला आह्वान मेरे पुत्र का, इसी बेटा का होगा। जब राजी हो तो बताओ, और अगर जा पर तुम राजी ना हो तो प्रकृति सहित तीनों देवताओं को जला के भस्म कर दूंगी। ये शक्ति थी पार्वती, बचाना कोई नहीं। ध्यान रखना, ये सौरभ बाबू की तरफ से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया, शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। ये महतारी ने मांगा कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा सबसे पहले मेरे पुत्र की पूजा होगी, सबसे पहले। और सुनो देवताओं, मेरे पुत्र का नाम विनायक था, विनायक, और आज सर कट के यह हाथी का शीश मिला है। एक चीज और मांग रही है, कौन सी? मैया मुखति कही गई और ध्यान करी जगदीश से, बेटा जानती मर गया हाथी को लग गया शीश है, लड़की तुम सब थक गए काहू की परी नहीं पेशे, नाम बिना लक हट गया अब पर गया नाम गणेश है। ईश्वर के जितने गण हैं, ध्यान रखना, गणेश शब्द जो है इसका विच्छेद है गण धन ईश। जो भी परमात्मा के गण हैं उन सब गणों में जो ईश्वर है वो है गणेश। बोलिए गणेश भगवान की। तो समस्त देवताओं से पहले आज भी अगर कोई कथा होती है, कोई यज्ञ होती है, कोई हवन होता है, तो सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान किया जाता है, गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। श्रोता बंधु, महतारी के आशीर्वाद में वो बल रहा कि 5 साल का बेटा देवताओं का सामना कर गया। तो जीवन में माता पिता का कभी अपमान मत करना, कभी भी अपमान मत करना। वो कितने नाराज है जान। सबसे बढ़िया बात एक और बताएं, रात को जब 9 बजते हैं और बेटा घर पे नहीं आता है तो बाप मेहताई के पान में हड़कल पड़ती है। देखियो तुम कबू विचार कर गए, रात के 9 बजे तक तुम मत आइयो, 10 बज जाए ताकन डोकर के हाथ में डंडा होयो, जा कोने में थे, जा कोने में, जा कोने में थे, जा कोने में, कबू बाहर कबू भीतर कबू बाहर, कबू आज आए तो जाए बेइया का मैं हूं, और घोंटन बाद तोड़ के डाल दो लठन के मां, और लड़का आ जावे 50-40 गाड़ी दई उंटी सूदी कहीं और बरकत कछु ना।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब माता पिता इस दुनिया से चले जाएंगे तो रात के चाहे 1 बजे यो लौट के, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि बार और बंद मिलेंगे घर के, कोई नहीं पूछता कहां हो। तो हमेशा माता पिता का सम्मान करते रहना। सोता बंधु एक महतारी के बल से आज उस बच्चे को इतना मिला कि समस्त देवताओं प्रथम पूजा उस बच्चे की हुई, ये महतारी का कर्म था। सोता बंधु गणेश और कार्तिक